राजस्थान में हाथी चुनाव चिन्ह वाली पार्टी की राजनीति गधे पर सवार है। सड़क पर जनता के लिए संघर्ष बाद में होगा, वो पहले अपने नेता से निपटना चाहते हैं, वो भी खास अंदाज में। आनन फानन में किया फैसला था, इसलिए गधा ही ला पाए, कायदे से हाथी लाना था। खैर, सड़क छाप कलमुही राजनीति की कहानी सुनिए। बसपा के राजनीति सवार ने उत्तर प्रदेश से जयपुर पहुंचे नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम और प्रदेश प्रभारी सीताराम को सुबह सुबह बसपा कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने पहले दोनों के मुंह पर कालिक पोती, फिर बाद में गले में जूते चप्पल की माला भी पहनाई। इतना तमाशा शायद कम था, इन लोगों ने उनका जुलूस भी निकाल दिया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन पर टिकट बेचने और धोखाधड़ी करने का इल्जाम लगाया है। यूपी में दबी जबान में ये बातें तो पहले भी होती थी, जयपुर वाले बसपाइयों के लिए ये इल्जाम नया था शायद। पार्टी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इन दोनों ने हमारे साथ धोखा किया है। वे कार्यकर्ताओं की बुरी हालत मायावती तक नहीं पहुंचाते। एक कार्यकर्ता ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता अपने ही नेताओं से परेशान हैं। हम 5 साल मेहनत करते हैं, लेकिन ये नेता पैसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस के पैराशूट उम्मीदवारों को टिकट बेच देते हैं। इस शर्मनाक घटना के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती का गुस्सा कांग्रेस पर फूटा। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा कि कांग्रेस ने पहले राजस्थान में बीएसपी विधायकों को तोड़ा और अब मूवमेंट को आघात पहुंचाने के लिए वहां पार्टी के सीनियर लोगों पर हमले करवा रही है, जो अति निंदनीय और शर्मनाक है। कांग्रेस अंबेडकरवादी मूवमेंट के खिलाफ काफी गलत परंपरा डाल रही है, जिसका जैसे को तैसा जवाब लोग दे सकते हैं। कांग्रेस को ऐसी घिनौनी हरकतों से बाज आना चाहिए। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब बीते दिनों बसपा के 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए। बात आगे बढ़ी, बसपा के चुनाव जीते विधायक राजेंद्र गुढ़ा ने भी आरोप लगाए थे कि बसपा में टिकट बेचे जाते हैं। तमाशबीनों के लिए ये नजारा नयनसुख का हो सकता है, लेकिन राजनीति का ये बदसूरत चेहरा देखने लायक नहीं है।